losing. सबसे पहला सवाल ये उठता है कि बॉस, सिर्फ लुक्सोलॉजी में डिस्टिंक्शन पाने से क्या कोई स्टूडेंट बॉलीवुड में लंबी रेस का घोड़ा या घोड़ी बन सकता है? जवाब तो आपको भी पता है और उन्हें भी, जिनके आज हम रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। तो शुरुआती लाइमलाइट नेहा जी को मिली इनकी दूसरी फिल्म से, जूली था जिसका नाम। अब एक्टिंग क्या होती है छोड़िए इस बात को। जूली में कुछ ऐसे हॉट और स्टीमी सीन्स थे जिनके कारण नेहा बेबी पूरे क्लास के फोकस में आई। सबने कहा, आओ ये क्या धनाधन किसिंग सीन्स, हॉट बेडरूम सीन्स, जिनमें ऑब्वियसली ऑडियंस एक्टिंग को तो नोटिस ही नहीं करती, फोकस कहीं और रहता है। पर फायदा इसका, इंस्टेंट पब्लिसिटी, इंस्टेंट फेम। फिल्म जूली कुछ खास नहीं रही पर कोलैटरल फायदा फुल ऑन। 2003 से 2011 तक ऑलमोस्ट दो दर्जन फिल्मों का हिसाब किताब करने पर ये पता चला कि ज्यादातर फिल्में मल्टी स्टार थी, जिनमें अकेले अपने टैलेंट का झंडा लहराने का कोई चांस ही नहीं होता। कहीं किसी आइटम सॉन्ग, किसी हॉट सीन, किसी कॉमेडी सीन में आपको नोटिस कर लिया जाता है। लेकिन टू गिव द डेविल इट्स ड्यू, एक दो फिल्में ऐसी भी रही जिसमें नेहा जी को चांस मिला अपने टैलेंट के प्रदर्शन का। एक सिस्किया कमर्शियली फ्लॉप पर क्रिटिकली एक्लेम्ड, एक 40 के लास्ट लोकल में भी कुछ चांस मिला इन्हें एक्टिंग का। बाकी सारी फिल्मों में बस ऐवें काम चलाओ काम होता रहा। पर रिसेंटली रिलीज फंस गए ओबामा, इसमें जो नेहा जी ने रोल प्ले किया उसकी बदौलत इन्हें काफी तारीफें मिली। पर ऑल इन ऑल कोई ऐसा धमाल या माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस देखने के लिए हम अब तक इंतजार में हैं। कलाकारी में नेहा जी को मिलता है सी। आठ साल, ढेरों फिल्में और बॉक्स ऑफिस शस्त्र में नेहा जी की कमाई, ठन ठन गोपाल। ऑनेस्टली बता रहे हैं जी, कोई बुरा ना माने, अब सोचिए कोई आपसे कहे जी नेहा धूपिया की लेटेस्ट फिल्म रिलीज हो रही है, चलोगे देखने? अब आप भी अपना जवाब जानते हैं और हम भी। हाँ ये बात अलग है कि मल्टी स्टारर्स में और भी बहुत सारे तुर्रम खान होते हैं, तो उनकी बदौलत आप नेहा जी के भी दर्शन कर सकते हैं। सो इंडिविजुअली इन्होंने अपने बल पर तो कोई खास धूमधाम की नहीं है बॉक्स ऑफिस पर। जो फिल्में चली हैं उनके रीजन अलग थे, कहीं ज्यादा पॉपुलर एक्टर्स, कहीं कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज। इसीलिए भाई लोग अपन बड़े दुख के साथ बॉक्स ऑफिस शस्त्र में नेहा जी को एक F ही देंगे, सॉरी। अब जब दो दर्जन में से पौने दो दर्जन फिल्में मल्टी स्टार होंगी तो जी पैरोलॉजी पर कोई कैसे टिप्पणी कर सकता है? नेहा धूपिया भी पैरोलॉजी में मिजरेबली फेल होती है। सिर्फ एक आध फ्लैश इन द पैन टाइप एक्सपेरिमेंट्स को छोड़कर केमिस्ट्री आज तक किसी भी को स्टार के साथ माइंड ब्लोइंग वाली कैटेगरी में क्लिक ही नहीं हो पाई। संजय कपूर के साथ जूली और फिर सोनू सूद के साथ शीशा, हॉट सीन्स, सिसलिंग केमिस्ट्री। पर प्रॉब्लम यह है कि कहीं पर भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं, और जब ऐसा हो तो भाई हम अच्छे ग्रेड्स कैसे दे? So all in all, screen chemistry में totally disappointing. और जहां तक off screen chemistry का सवाल है, नेहा ने 10 साल का एक लंबा experiment किया squash player Ritwik Bharacharya के साथ, पर game set और match से पहले ही ये लंबी pairology का the end हो गया। अजीब है ये दुनिया का खेल मेरे भाई। Care not to waste much time, नेहा जी recently एक award function में एक Venezuelan dude के साथ नजर आई और काफी proud सी दिखी, flaunting her newfound love, so it seemed. यानी दिल की लबाड़ का एक एक्सपेरिमेंट अगर फेल हुआ तो निराश मत हो दुनिया वालों, लाइफ फिर से चांस देती है। इसी संदेश के साथ नेहा ने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। तो जी पैरोलॉजी यानी केमिस्ट्री में नेहा जी को फिल्मी स्कूल में तो सिर्फ एक डी ही मिलेगा, दुख की बात है पर क्या करें। ग्लैमरस नेहा धूपिया फिल्मों में अगर मनी मैजिक्स के सब्जेक्ट को ज्यादा बूस्ट नहीं कर पाए तो ज्यादा दुख की बात नहीं है। फिल्मों में सब्जेक्ट में थोड़ी कच्ची रही पर आउट ऑफ द स्क्रीन इन्होंने काफी पॉइंट्स हासिल किए। फिर चाहे वो ब्रांड्स हो जिन्हें इन्होंने एंडोर्स किया, कई ऐसे नाम है ऐसे जिनमें चार चांद लगे नेहा धूपिया के चांद से मुखड़े के साथ। लीडिंग फैशन डिजाइनर्स के साथ रैम शोज करके भी मनी मैजिक्स के सब्जेक्ट में ब्राउनी पॉइंट्स कलेक्ट किए नेहा ने। पर ऑल इन ऑल इन 7-8 सालों के अपने करियर में नेहा का परफॉर्मेंस इन द सब्जेक्ट ऑफ मनी मैजिक्स हैज बीन बस सो-सो। तो सो-सो परफॉर्मेंस के लिए सो-सो ही ग्रेड्स मिलेंगे एंड इस सब्जेक्ट में हम उन्हें ग्रांट करते हैं एक सुंदर सा दिखने वाला जी। Sing, sing, go sing.